Bismillahirrahmanirrahim. जी जी कल तक जो देखा था पढ़ा था उसमें कोई क्वेश्चन किसी का हमने सप्लाई कर लिया था और हमारा उससे रिलेटेड शिफ्ट और एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन की डिस्कशन हमने कर ली थी और रीजंस अदर फैक्टर्स को हमने डिस्कस कर लिया था कि टेक्नोलॉजी रॉ मटेरियल की प्राइसेस और टैक्स और सब्सिडी और इन चीजों की वजह से आपके शिफ्ट इन योर सप्लाई कर्व होती है. आई बिलीव ये यहां तक हम पहुंच चुके थे. ऐसे ही है शिफ्ट की अभी हमें अंडरस्टैंडिंग या डिस्कशन नहीं हुई. अच्छा तो हमने डिस्कस किया था कॉन्फ्लिक्ट सप्लाई इज द फंक्शन ऑफ price of x and then उसके अलावा other factors हमने discuss किए थे, that is technology, change in technology की वजह से आपकी supply में फर्क आ सकता है, price of raw material prices and land wages, utilities उनकी प्राइसेस में जो फर्क है. देन वी हैव समथिंग लाइक टैक्स में जो फर्क आएगा, सब्सिडीज की डिस्कशन की. अच्छा ये वो एलिमेंट्स हैं जो हम कल उस दिन डिस्कस कर रहे थे कि आपकी सिर्फ प्रोडक्ट सिर्फ प्राइस के ऊपर तो नहीं आप सप्लाई आगे पीछे करते हैं. आप जो सप्लाई करता है वो प्रोड्यूसर जो सप्लाई करता है वो प्राइस सर्टन प्राइस है, फॉर एग्जाम्पल ₹10 और उसकी कॉस्ट है फॉर एग्जाम्पल ₹8, दोनों ग्रॉस प्रॉफिट और वो मिला के ₹8 और प्रॉफिट था उसको इस प्रोडक्ट के ऊपर प्रॉफिट बैठता था ₹2. तो वो इन चीजों को देखते हुए ₹10 के ऊपर सप्लाई करने को तैयार था. अब प्राइस ₹10 ही नहीं लेकिन कॉस्ट अब ₹9 हो गई तो अब उसको प्रॉफिट तो सिर्फ ₹1 बचा है. तो अब ही विल नॉट बी विलिंग टू सप्लाई द सेम लेवल ऑफ प्रोडक्ट the same level of quantity on the same price. वो ₹10 के ऊपर क्योंकि अब उसका मुनाफा कम हो गया है. मुनाफा कम होने की वजह से अब उसकी willingness to supply, क्योंकि supply के अंदर हमने कहा था ability to supply and willingness to supply. अब willingness to supply जो कि profit के साथ रेट कर रही थी वो willingness to supply अब उसकी कम हो जाएगी. वो ₹10 के ऊपर उतनी ही क्वांटिटी सप्लाई करने के लिए आप तैयार नहीं होगा. क्यों? क्योंकि उसकी कॉस्ट के अंदर फर्क आ गया. चेंज किधर है? कॉस्ट के अंदर. और वो कॉस्ट के अंदर फर्क आप और दूसरा वाइस वर्सा आप इसके बेहतर हो जाए अगर ₹10 प्राइस थी और वो उसकी
शेयर पे कॉस्ट होगी, टेक्नोलॉजी में बेहतरी आ गई, किसी वजह से बेहतरी आ गई, तो वो 4 रुपए प्रॉफिट तुम्हारा है। तो आप मे बी के वो 10 रुपए के ऊपर ज्यादा क्वांटिटी सप्लाई करने को तैयार हो जाएगा, ज्यादा क्वांटिटी सप्लाई करने को तैयार हो जाएगा। तो वही जो हमने डिस्कशन की थी हमारे मशहूर जमाना एग्जाम को, हमने डिस्कशन की थी प्राइस इज 10 देन क्वांटिटी सप्लाई इज 100 एंड प्राइस इज 20 200 एंड प्राइस इज 30 300। तो आपकी इसको जब आप ग्राफ पे ड्रा करेंगे, मे बी के दिस इज योर सप्लाई कर्व, आपका 10 रुपए के ऊपर 100, 20 रुपए के ऊपर 200, 30 रुपए के ऊपर 300, ये आपकी सप्लाई कर्व पॉजिटिवली स्लोप सप्लाई कर्व आपकी। किसी वजह से आप टेक्नोलॉजी में चेंज आ गई या आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट में कमी आ गई, तो आप क्वांटिटी सप्लाई सेम प्राइस के ऊपर आप प्रोड्यूसर्स ज्यादा सप्लाई करने को तैयार है। वो फॉर एग्जांपल 200 इस पे सप्लाई करने को तैयार है, 300 इस पे सप्लाई करने को तैयार है, 400 इस पे सप्लाई करने को तैयार है। क्यों चेंज आई? कि उसकी कॉस्ट के ऊपर कोई फर्क आया। पहले जो 8 रुपए कॉस्ट पड़ती थी आपको 6 रुपए पड़ रही है, नफा ज्यादा हो गया। पहले रोज वो 100 यूनिट बेचता था 10 रुपए के ऊपर, तो आपको 200 यूनिट बेचने को तैयार है ताकि मुनाफा उसको ज्यादा से ज्यादा मिल सके, तो वो उसके मुनाफे के अंदर इजाफा होगा। तो इसको अगर हम ड्रा करेंगे, इफ यू ड्रा न्यू सप्लाई कर, तो इट विल बी लाइक दिस, 10 रुपए के ऊपर 200, 20 रुपए के ऊपर 300, 30 रुपए के ऊपर 400। तो ये हमारी नई सप्लाई कर्व है, सप्लाई कर्व, पावर सप्लाई कर्व हैव शिफ्टेड। इसको कहते हैं शिफ्ट इन सप्लाई कर्व, क्योंकि ये अदर फैक्टर्स की वजह से, आपकी अदर फैक्टर्स ने इम्पैक्ट किया है जो आपकी सप्लाई में इजाफा हुआ, प्राइस की वजह से नहीं है। अगर प्राइस की वजह से हो तो एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन है वो आपकी ऑन द सेम सप्लाई कर्व हो रहा होगा। क्यों? क्योंकि ये जो आपके सामने ग्राफ बना रहे हैं हम, इस ग्राफ के अंदर इस तरफ अगर प्राइस है और इस तरफ क्वांटिटी सप्लाई है, तो इन दोनों का रिलेशनशिप अगर होगा तो वो सेम ग्राफ के ऊपर होगा, सेम लाइन के ऊपर होगा, और जब कभी चेंज या अदर फैक्टर्स की वजह से होगी सप्लाई के अंदर, तो वो शिफ्ट होगी। क्लियर है? इसी तरह से अगर वो चेंज नेगेटिव होती है तो क्या होगा, आपकी सप्लाई कर्व विल मूव ऑन दी लेफ्ट साइड, वो ओरिजिनल सप्लाई कर्व से लेफ्ट साइड के ऊपर मूव कर देगी और आपकी सप्लाई सेम प्राइस के ऊपर सप्लाई कम हो जाएगी। अगर 10 रुपए के ऊपर फॉर एग्जाम्पल 100 यूनिट दे रहे हैं, तो 10 रुपए के ऊपर हम 50 यूनिट दे रहे होंगे 200 की जगह 150, 100, 300 की जगह 200, आपकी सप्लाई कर्व लेफ्ट साइड को मूव करके, क्योंकि क्वांटिटी सप्लाई अदर फैक्टर्स की वजह से रिड्यूस हो जाए। अच्छा जी, नेक्स्ट डिस्कशन हमारी न्यूज, इसके ऊपर तो कोई इशू नहीं है, एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन एंड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व, और सप्लाई कर्व इज ए पॉजिटिवली स्लोप कर्व, यहाँ मेरे सामने मतलब क्लियर है, प्राइस बढ़ेगी सप्लाई बढ़ेगी, प्राइस कम होगी सप्लाई कम होगी, डायरेक्ट रिलेशनशिप है, उसकी वजह से पॉजिटिवली स्लोप कर्व। रिजर्वेशन प्राइस की डिस्कशन कर लीजिए, रिजर्वेशन प्राइस क्या होती है? रिजर्वेशन प्राइस क्या होती है आपका क्या है? रिजर्व प्राइस कभी किसी ने टेंडर वगैरह देखा? टेंडर्स होते हैं या गाड़ियों की नीलामी होती है, बैंक्स ना गाड़ियों की नीलामी करते हैं, जो डिफॉल्टर्स होते हैं उनसे वो गाड़ियां अपने कब्जे में ले लेते हैं और उन गाड़ियों को वो नीलाम करते हैं। तो जो नीलामी करते हैं ना, वो कहते हैं कि नोटिस आता है कि ठीक है, बैंक की रिजर्व प्राइस इज लाइक दिस, वो आपको
रिजर्व प्राइस बता देते हैं जी, इस गाड़ी के लिए रिजर्व प्राइस हमारी 1,00,000 रुपया होगी या 4,00,000 रुपया होगी या 5,00,000 रुपया या 10,00,000, 20,00,000, जो भी वो रिजर्व प्राइस रखना चाहें। तो अब रिजर्व प्राइस का मतलब क्या है कि बैंक इस प्राइस से नीचे इस गाड़ी को सेल करने के लिए तैयार नहीं है, कम अज कम इतनी प्राइस, ये तो रिजर्व प्राइस है, इसके नीचे अगर बिकती है तो बैंक को के ने जो रिकवरी करनी थी, जो लोन की रिकवरी करनी थी, जो कॉस्ट की रिकवरी करनी थी, वो बैंक अपने लोन और कॉस्ट को रिजर्व रिकवर नहीं कर सकेगा। सेम इसी तरह से तमाम प्रोड्यूसर्स, जो प्रोडक्शन करने वाला है, हर प्रोड्यूसर को पता है कि मेरी कॉस्ट क्या है, वो सर्टन प्राइस से नीचे सेल करने को तैयार नहीं होगा। वो सर्टन प्राइस, एक प्रोडक्ट है उसकी कॉस्ट 70 है, मुझे पता है कि मुझे 30 का प्रॉफिट चाहिए, तो दैट मींस कि मुझे 100 इज माय रिजर्व प्राइस, 100 से ऊपर अगर ये 200 बिक जाए, 120 में भी बिक जाए तो मेरे लिए ज्यादा बेहतर बात है, बट मैं 100 से नीचे प्राइस इस प्रोडक्ट की पर लेने के लिए तैयार नहीं हूं। आई हैव इन माय माइंड फिक्स्ड अ रिजर्व प्राइस जिसके नीचे अगर कहीं पे जाती है बात, तो आई वुड से कि आई विल नॉट सेल। जनाब अगर 100 से नीचे जाते हैं तो फिर हमारी आपस की आपकी बात कोई नहीं हो सकती, हम इस सौदे को फाइनल नहीं कर सकते। दिस इज फ्रॉम प्रोड्यूसर्स एंगल। तो सेम इसी तरह से कंज्यूमर एंगल से भी कोई प्राइस होगी, कंज्यूमर भी तो सोचेगा ना, कंज्यूमर भी सोचेगा वैल्यू फॉर मनी क्या है, कंज्यूमर भी सोचेगा, वो भी कहेगा कि अच्छा मुझे सर्टन लेवल से हाई प्राइस में देने को तैयार नहीं, उसने भी अपने दिमाग में एक रिजर्व प्राइस सोची हुई होती है। एक ही प्रोडक्ट है, एक ही प्रोडक्ट है, उसके लिए एक प्रोड्यूसर की रिजर्व प्राइस शायद 100 हो, दूसरा प्रोड्यूसर के यार 70 तो कॉस्ट है, प्लस 10 भी प्रॉफिट मिल जाए मुझे ना, तो 80 विल बी सफिशिएंट फॉर मी, मैं 80 इज माय रिजर्व प्राइस। और इसी तरह से कंज्यूमर हो सकता है, वो एक प्रोडक्ट है, चाहे वो पेंट है या पेन है या कुछ भी, तो वो एक कंज्यूमर समझता हो कि इसकी रिजर्व प्राइस मेरे लिए 1000 है, और दूसरा कंज्यूमर समझेगा कि उसकी रिजर्व प्राइस मेरे लिए 10,000 है। अब इन दोनों के दरमियान फर्क क्यों आया, प्रोड्यूसर कंज्यूमर ए एंड कंज्यूमर बी, इनकी रिजर्वेशन प्राइस के अंदर इतना ज्यादा फर्क क्यों है, सेम ही प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं हम लेकिन रिजर्वेशन प्राइस के अंदर फर्क है। यहां पे सप्लायर ए एंड सप्लायर बी की तो हमें समझ आती है कि प्रॉफिट के अंदर डिस्कशन है कि जिन्होंने नफा किसी ने कम ले लिया, किसी ने ज्यादा ले लिया, हाँ, तो इन दोनों कंज्यूमर ए और बी के दरमियान में जो रिजर्वेशन प्राइस में फर्क है उसकी रीजन है दोनों का इनकम लेवल, दोनों की परसेप्शन अबाउट रुपीस, उसके लिए 1000 रुपीस भी काफी है और उसके लिए 10,000 रुपीस भी काम है। एक शख्स शायद उसकी मंथली इनकम 1,00,000 रुपया महीने की है और एक शख्स जिसकी मंथली इनकम 1,00,000 रुपया महीने की है। अब 1,00,000 रुपया महीने के लिए 10,000 रुपए शायद कोई खास वैल्यू नहीं करते होंगे, वो सेम प्रोडक्ट के लिए उतने पैसे देने होते हैं। कई दफा हम देखते हैं, कई दफा एक शख्स आता है मार्केट में, उसे कहते हैं यार अच्छा ये पेंट देखिए यार पेंट, और 2,500 रुपए की पेंट है, उसी पेंट को एक शख्स देखते कहते हैं 2,500 रुपए इतनी महंगी, ये तो 700-800 रुपए की 1,000 रुपए की पेंट मिल जाती है जी शालमी से, नारकली से, फलाने से, फलाने से, और दूसरा शख्स को कहते हैं उसी को वो प्रोडक्ट कहते हैं कि यार भाई ओनली 2,500 दैट चीप। अब दोनों के दरमियान में दोनों के बिहेवियर में फर्क क्या है कि उसकी इनकम लेवल, उसका कैपेसिटी टू परचेज वो डिफरेंट है और उस दूसरे शख्स की परचेजिंग पावर डिफरेंट है,
और परचेजिंग पावर के डिफरेंस की वजह से हर शख्स की अपनी रिजर्वेशन प्राइस होती है। तो अब ये रिजर्वेशन प्राइस आइडेंटिफाई करना जरूरी है मार्केट में को समझने के लिए, ठीक है जी। ये किताब के अंदर हमें उसने रिजर्वेशन प्राइस यहाँ पे पढ़ाया था, हमने यहाँ पे पढ़ लिया। जी रिजर्वेशन प्राइस मिनिमम प्राइस अ फर्म इज विलिंग टू रिसीव फॉर इट्स गुड्स। तो हमने ये देखा कि रिजर्वेशन प्राइस जरूरी नहीं है कि 100 सबके लिए 100, तमाम फर्म्स के लिए 100, एक स्पेसिफिक फर्म की बात की है, तमाम फर्म्स की बात नहीं की, ऑल फर्म्स की बात नहीं की, आ फर्म की बात की है, ऑल नहीं कहा, ए फर्म की बात की है। इफ ईच फर्म इज लुकिंग टू रिसीव द बेस्ट प्राइस पॉसिबल फॉर इट्स स्टॉक ऑफ गुड्स, सो इफ इट इज ऑफर्ड मोर देन द रिजर्वेशन प्राइस द फर्म विल ऑफ कोर्स टेक इट। उसको कहा जिसने ए था, इसके पास तो बंदा आया, इसने कहा यार 90 रुपए में मैं खरीदता हूँ, तो वो कहेगा जी जरूर, बहुत अच्छी बात है, आप मैं बेचने को तैयार हूँ। और बी शख्स के पास वो बंदा आएगा, वो कहेगा मैं 90 रुपए में खरीदता हूँ, वो कहेगा जी सर सॉरी मेरे तो रिजर्वेशन प्राइस मेरी 100 है, तो मैं आपको नहीं बेच सकता। इफ आई विल नॉट सेल एट ए प्राइस लोअर देन रिजर्वेशन प्राइस, नोइंग द रिजर्वेशन price of firm is useful as a way of evaluating firm behavior. Profitability के साथ linked होता है जी reservation price का। Firm does not supply goods to the market out of goodwill or entertainment. It is done as a means of making profit. In economics, it is assumed that firms acting rationally will produce goods up until the point where it is no longer profitable. Profitable नहीं होगा तो वो production ही छोड़ देंगे। In almost all firms, there comes a point where producing or selling an additional unit will incur a loss. Firm will produce up until that point. So, ये हमें क्या बात भूल जा रहे हैं? क्या बात समझ आ रही है? इस पैराग्राफ से क्या बात समझ आ रही है? इस पैराग्राफ से क्या बात हो जाती है? जी अब फर्म ने प्रॉफिट कमाने के लिए किया है काम, फर्म ने जो काम के अंदर प्रॉफिट कमाने के लिए, आप पहला यूनिट प्रोड्यूस करें, दूसरा करें, फिर 100, फिर 200, फिर 300, फिर 400, तो अब मार्केट में आप सप्लाई ज्यादा कर रहे हैं, जैसे जो सप्लाई अब मार्केट में सप्लाई ज्यादा करते हैं, तो सप्लाई ज्यादा करने से क्या होता है? सप्लाई ज्यादा करने से क्या होता है? मार्केट में जो कंज्यूमर्स हैं उनके पास ज्यादा मिकदार में चीजें अवेलेबल हो जाती हैं, जब चीजें ज्यादा मिकदार में अवेलेबल होती हैं तो प्राइस रिड्यूस हो जाती है। ऐसे ही अगर मार्केट में ज्यादा मिकदार में सरप्लस मार्केट में अवेलेबल हो जाए तो क्या होगा? प्राइस रिड्यूस हो जाएगी। तो अल्टीमेटली फर्म को सोचना पड़ेगा कि यार ऐसा ना हो कि मैं प्रोडक्शन बढ़ाता जाऊं, मैं 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर दूं, मार्केट में इतनी डिमांड ही ना हो, मेरा प्रॉफिट बजाय बढ़ने के मुझे मार्केट में प्राइस कम होनी शुरू हो जाए, ज्यादा सरप्लस प्रोडक्ट होने की वजह से, तो मार्केट की प्राइस कम होने से मेरा प्रॉफिट रिड्यूस हो, प्रॉफिट के ऊपर असर पड़ेगा, हेट पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? तो उस वजह से फर्म को सोचना पड़ेगा कि कहां तक मैंने प्रोडक्ट सप्लाई कर दी है, प्रोडक्शन कर दी है, ऐसा ना हो कि मैं कहीं इस लेवल पे पहुंच जाऊं कि जहां पे मेरी प्रॉफिट
जो है ना वो कम हो जाए. दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट दैट हैज बीन डिस्कस्ड इन दिस लेक्चर. अच्छा जी, इफेक्टिंग कौन सी चीजें हैं जो कि रिजर्वेशन प्राइस को इफेक्ट करती हैं? डिस्पोजेबल इनकम ऑफ बायर, बायर की डिस्पोजेबल इनकम कितनी है? फर्म ये सोचेगी कि कौन सा शख्स मैं अपनी प्रोडक्ट की किस पर की प्राइस रखूं, रिजर्वेशन प्राइस, कि मेरे कंज्यूमर प्रोड्यूसर जो हैं वो उसको खरीद सके. अगर एक प्रोडक्ट है जो कि एलीट क्लास में बिकती है तो उसके कंज्यूमर्स की परचेजिंग पावर ज्यादा होगी, तो वो हाई प्राइस भी वहां पे चार्ज कर सकेंगे. और एक प्रोडक्ट है जो कि आम जनरल पब्लिक के लिए बनाई गई है या जनरल पब्लिक के इस्तेमाल में आती है, तो वहां पे यू नीड टू मस्ट नीड टू अंडरस्टैंड योर कंज्यूमर्स बिहेवियर, योर कंज्यूमर्स परचेजिंग पावर, योर कंज्यूमर्स डिस्पोजेबल इनकम. आपको अपने कंज्यूमर्स की डिस्पोजेबल इनकम को समझना पड़ेगा अपनी रिजर्वेशन प्राइस सेट करने के. आप साबुन आप बना के बेच रहे हैं और साबुन बना के बेचते हैं और आप कहते हैं यार मैंने साबुन तो इतना जबरदस्त बना दिया है, एक साबुन 1,00,000 रुपए का बेचूंगा मैं, तो आपके कंज्यूमर्स या आपकी प्रोडक्ट उसकी वो वर्थ या वो चीज है कि 1,00,000 रुपए में खरीद दे, तो देखना ही पड़ेगा. तो आपको इस वजह से डिस्पोजेबल इनकम और परचेजिंग पावर को देखना पड़ेगा. बाकी ये स्टडी रीड कर लेंगे, चीजें वही है जो मैंने बात की है, रीड करेंगे. दूसरा फिर आपको सब्स्टिट्यूट गुड्स के हवाले से देखना पड़ेगा. सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन सी हैं आपकी रिजर्वेशन प्राइस बनाते हुए? एक मैं साबुन बना रहा और मैं कहता हूं मैंने 500 रुपए का एक पैकेट बेचना है, और दूसरा जो सेम उसी मार्केट के अंदर दूसरे जो प्रोड्यूसर हैं वो 50 रुपए का साबुन बेच रहे हैं, तो डेफिनेटली मेरी सब लोग कहेंगे यार तुम पागल हो, तुम्हें रिजर्वेशन प्राइस इतनी रखनी नहीं चाहिए, क्योंकि लोगों के पास ऑप्शन मौजूद है वो 50 रुपए में वही प्रोडक्ट परचेज कर लेंगे, तुम्हें कौन 500 रुपया देगा. तो इस वजह से सब्स्टिट्यूट्स को देखना जरूरी है. और फिर जो इंपॉर्टेंट चीज ऑब्जेक्टिव है, फर्म का ऑब्जेक्टिव क्या है, अभी फर्म किस स्टेज के ऊपर है, क्या फर्म ने मार्केट के अंदर अपना शेयर अटेन करके मजबूती से मार्केट में अपने कदम जमा लिए हुए हैं, या अभी फर्म मार्केट में अपने शेयर को एक्सपेंड करना चाहती है, मार्केट में अपने सेल्स को बढ़ाना चाहती है. तो अगर आपकी मार्केट के अंदर कंडीशन मोनोपोली वाली हो कि आप अकेले ही सेल करने वाले हैं, बाकी और वो प्रोडक्ट किसी और के पास नहीं है, तो आप हाई रिजर्व प्राइस अफोर्ड कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं. लेकिन अगर आप अभी ताजा है और मार्केट में कंपटीशन भी है और आप चाहते हैं कि मार्केट में अपनी सेल्स को बढ़ाएं, तो डेफिनेटली आपको लो रिजर्वेशन प्राइस रखनी पड़ेगी ताकि आप मार्केट में ज्यादा से ज्यादा अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकें. इस जो हमने देखा था प्रोड्यूसर ए वाला आपको बिहेवियर रखना पड़ेगा, कम प्रॉफिट के साथ आप रिजर्वेशन प्राइस रखें ताकि ज्यादा लोगों को आप सेल कर सकें. फिर पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कॉस्ट है ही है, अगर आपकी कॉस्ट 70 रुपए है जैसे हमने देखा, और 70 रुपए से कम आप अफोर्ड भी कर सकते हैं. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एक इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट है आपके रिजर्वेशन प्राइस. आपको उस प्रोडक्ट को बनाने के अंदर 70 रुपए लग जाते हैं तो आप 70 रुपए से कम तो बेच ही सकेंगे, अगर 70 रुपए से कम बेचेंगे तो लॉस करेंगे तो अपने पैसे आपको बिजनेस के अंदर जाया होते हुए नजर आएंगे. तो दैट मींस के जब आपको बिजनेस करना है, आपने प्रोडक्शन करनी है, सेल करनी है, सप्लाई करनी है, तो आपको अपनी कॉस्ट तो कम से कम रिकवर करनी है. मैन्युफैक्चर कॉस्ट से कम के ऊपर तो कभी सेल नहीं करना चाहिए, अनलेस एंड टिल के वो
आपकी लॉस से जा रही है, और हायर कास्ट होगी तो हायर रिजर्वेशन प्राइस हो जाएगी, लो कास्ट होगी तो लो रिजर्वेशन प्राइस हो जाएगी। ठीक है, हायर कास्ट हायर रिजर्वेशन, लोअर कास्ट लो रिजर्वेशन। ठीक है, रिजर्वेशन प्राइस क्लियर है जी, उसके डिटरमिनेंट्स या उसके ऊपर जो लोग जो चीजें असर डाल रखी है वो भी क्लियर है कि जी डिस्पोजेबल इनकम, उसके डिस्क्रिप्शन, सब्स्टिट्यूट गुड्स की प्राइस, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फर्म और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, वो सब हमारे सामने होने चाहिए रिजर्वेशन प्राइस को फिक्स करते हुए, रिजर्वेशन प्राइस को देखते हुए। देन ये हम सब देख चुके हैं, सप्लाई कर्व ये शिफ्ट है, डिटर्मिनेंट्स कौन से हैं जी, सप्लाई के डिटर्मिनेंट्स, डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई, सबसे पहले तो प्राइस ऑफ गुड, वो तो सबसे पहले प्राइस ऑफ गुड को हमने देखा था, प्राइस बढ़ेगी सप्लाई बढ़ेगी, प्राइस कम होगी सप्लाई कम होगी, मूवमेंट अलोंग दी कर्व, ये जो डिस्कशन है, और ये जो अदर फैक्टर्स की डिस्कशन थी, कंडीशन ऑफ सप्लाई, कंडीशन ऑफ सप्लाई में नोन एज चेंज इन दी कंडीशन ऑफ सप्लाई, उससे हमारी शिफ्ट आती है और हम इसको देख चुके हैं। अच्छा जी, कॉस्ट ऑफ रिसोर्स यूज्ड जो हमने बातें की थी, अब वो अदर फैक्टर्स कह रहे हैं कौन कौन से हो सकते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर जो आपकी कॉस्ट पर वो कम ज्यादा हो जाए, जिसके अंदर यूटिलिटी है, आपके रॉ मटेरियल की कॉस्ट है, आपके वेजेस वगैरह हैं, तो उनकी अगर इम्पैक्ट आएगा, जो हमने प्रॉफिट की बात की थी यहाँ पे, उनके इम्पैक्ट आएगा कॉस्ट के ऑफ प्रोडक्शन के, तो डेफिनेटली आपकी विलिंगनेस टू सप्लाई में फर्क आएगा, और इम्पोजिशन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडीज, अब इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडीज क्या करती है ये देखते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स कैसे कहते हैं किसमें, पहले ये देखें, इनडायरेक्ट टैक्स, अब टैक्स दो तरह के होते हैं इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते हैं, एक डायरेक्ट होते हैं और एक इनडायरेक्ट होते हैं। डायरेक्ट टैक्स कौन से होते हैं, डायरेक्ट टैक्स वो होते हैं जो गवर्नमेंट डायरेक्टली उस शख्स से रिसीव करती है जिस शख्स को वो चार्ज कर किया जाता है, अगर वो गवर्नमेंट कहती है भाई साहब आपने 1,00,000 रुपए टैक्स देना है, तो वो जाहिद साहब के नाम से वो कहेगी जाहिद You need to pay 100,000 रुपए, तो वो मुझे जाहिर को डायरेक्टली 1,00,000 रुपया पे करना है, ये डायरेक्ट टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स गवर्नमेंट कहती है कि पूरे मुल्क में जितने भी कंज्यूमर्स हैं, जब वो पानी की बोतल खरीदें और पिए, तो वो जो कंज्यूमर है, जो जाहिर भी हो सकता है, वो ए बी सी कोई भी हो सकता है, तो वो जो कंज्यूमर जब ये बोतल खरीदेगा, तो उस बोतल के ऊपर 2.25 रुपए सेल्स टैक्स पे करेगा, जिसको हम इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। अब वो चार्ज तो करना है उस बंदे को जिसने वो बोतल पीनी है, जिसने वो पानी पीना है, लेकिन पे करने के वक्त कहती है गवर्नमेंट कि प्रोड्यूसर भाई, जब आपने ये बोतल प्रोड्यूस की और मार्केट में सप्लाई कर दी, तो उन सारी बोतलों का जो सेल टैक्स 2.25 रुपए के हिसाब से फी बोतल बनता है, वो सेल टैक्स आप गवर्नमेंट को पे करें।
तो प्रोड्यूसर के कहा जी मैं क्यों पे करूं, ओके गवर्नमेंट भी कहती है कि नहीं नहीं आपने नहीं पे करना, ये पे तो बोतल का से पानी पीने वाले ने ही करना है, तो आप फिर इस तरह करेंगे कि 2.25 रुपए फी बोतल जो आपने हमें पे किया था वो कंज्यूमर से वापस ले लेंगे, तो कंज्यूमर आपको पे कर देगा, उससे गवर्नमेंट ने अपने लिए आसानी की, बजाय इसके के हर एक पानी पीने वाले के पास जाए और कहे जाहिर तुमने आज 2 गिलास 2 बोतलें पानी पी है 2.25 रुपए के हिसाब से, आज तुमने 4.50 रुपए तुमने पे करना है, तो गवर्नमेंट को दिखाता है मैं पेमेंट करूं, तो पेमेंट कलेक्शन एक कॉम्बर्सम एक बहुत लार्ज उसकी ट्रांजेक्शन हो जाएगी, उसके लिए मसला हो जाएगा गवर्नमेंट को इसको मैनेज करना, तो गवर्नमेंट इसको मैनेज करने के लिए कहती है जी प्रोड्यूसर भाई जब आप सप्लाई करें उस वक्त आप जितनी सप्लाई करें उतने का हमें पैसे हमें दे दिया जाए, ताकि हम तो अपने पैसे लेके साइड पे हो जाए, बाकी फिर आप कंज्यूमर से पैसे वसूल कर लिया करें और फिर आपका सिस्टम चलता है। ये गवर्नमेंट का तरीका है, वारदात है इनडायरेक्ट टैक्सेस के लिए। Indirect taxes are tax levied on the production or consumption of a product, for example, VAT, जिसको VAT कहते हैं, जिसको value added tax कहते हैं, excise duty, petroleum revenue tax. An indirect tax is therefore an additional cost for supplying to the market. अब indirect tax से क्या हुआ? अगर 22 रुपए 75 पैसे की बोतल में बेच रहा था मेरी, मैं 22 रखी थी प्रोड्यूसर के तौर पे 22 रुपए 75 पैसे प्लस मुझे एडिशनली आई हैव टू गेट 2.50 रुपए 25 पैसे फॉर एग्जाम्पल 2.25 रुपए मुझे एडिशनली कंज्यूमर से लेना है, मैं कंज्यूमर को 25 रुपए चार्ज कर रहा हूं, कंज्यूमर को कितना चार्ज हो रहा है 25 रुपए। अगर ये इनडायरेक्ट टैक्स ना होता बीच में, ये वाले भाई ना होते तो कंज्यूमर को कितना चार्ज होना था 22 रुपए 75 पैसे। ऐसे ही है, अगर ये इनडायरेक्ट टैक्स ना होता तो 22 रुपए 75 पैसे चार्ज होना था, लेकिन ये कंज्यूमर को इस वक्त कंज्यूमर को 25 रुपए में बोतल पड़ रही है पानी की, जो कि एक्चुअली प्रोड्यूसर अगर सिर्फ दे रहा था गवर्नमेंट की बीच में बात करना थी तो 22 रुपए 75 पैसे में पड़ती थी। तो एडिशनल कास्ट होती है जी, additional cost applying to the market. Firms will attempt to pass the indirect tax on to the consumer as a price rise. It can be calculated how much the government will earn from the imposition of indirect tax fairly simply. आसानी के साथ किया जा सकता है। जिसने कहा indirect tax per unit multiplied by quantity sold. Producer भाई कितने units बनाए? 1 लाख यूनिट बनाए। 1 लाख × 2.25 रुपए तो आप इतने पैसे आप हमें दे रहे 2,25,000 रुपए आप हमें देंगे, बस सिंपल। अब उससे इंपैक्ट क्या आता है सप्लाई कर्व के ऊपर, इंपैक्ट क्या आता है? अब सप्लाई कर्व के ऊपर इंपैक्ट जाएगा, अगर पहले सप्लाई कर्व थी इधर आपकी सर्टन प्राइस थी, प्राइस थी और क्वांटिटी थी, अब प्राइस के अंदर इनडायरेक्ट टैक्स भी शामिल हो गया, जो प्रोड्यूसर है उसको इनडायरेक्ट टैक्स भी कलेक्ट करना है, इनडायरेक्ट टैक्स भी कलेक्ट करना है, और मार्केट में सप्लाई कर्व इस टैक्स की वजह से सप्लाई कर्व विल मूव लाइक दिस। एडिशनल टैक्स जो लगा, अब वो एडिशनल टैक्स की वजह से जो, क्योंकि क्वांटिटी तो उतनी सेल हो रही है जितनी पहले हो रही थी, क्वांटिटी उतनी ही सेल हो रही है और प्राइस प्लस टैक्स ये दो चीजें आप इसके अंदर इंक्लूड हुई हैं उतनी क्वांटिटी के ऊपर। ये जो एडिशनल रेवेन्यू जनरेट हुआ, दिस एडिशनल रेवेन्यू, ये रेवेन्यू या ये चीज, ये पैसे जो एडिशनल आए हैं सेम क्वांटिटी के ऊपर
एडिशनल पैसे सप्लायर के पास आए हैं, ऐसा ही है ना। पहले सप्लायर के पास कितने पैसे आए थे? सेल्स किसना कैलकुलेट होती है? सेल्स, हमने कितनी सेल्स की है जी? आज जी 10 यूनिट सेल हुए, प्राइस क्या थी जी? 2 रुपए। आज के दिन सेल कितनी है? आपकी प्राइस इनटू क्वांटिटी करते हैं तो यू विल गेट दी सेल। अगर 2 रुपए प्राइस की, 10 यूनिट सेल की है, तो टोटल रेवेन्यू आपका ₹20 है। तो पहले फर्म के पास पहले कितने पैसे आते थे? पहले फर्म के पास प्राइस इनटू क्वांटिटी इतनी, इतना रेवेन्यू आता था। ये जो हमने एक ट्राइंगल, ये जो स्क्वायर बनाया, इतना रेक्टेंगल सा बनाया, इतना रेवेन्यू फर्म के पास आता था। प्राइस इनटू क्वांटिटी हमें पता थे, दिस इज प्राइस एंड दिस इज क्वांटिटी। प्राइस इनटू क्वांटिटी करेंगे तो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में फर्म के पास इतना रेवेन्यू आता था। ये फर्म के टोटल रेवेन्यू का ये पोर्शन था जो कि फर्म रिसीव कर रही थी, इतना रेवेन्यू रिसीव कर रही थी। अब प्राइस इनटू क्वांटिटी करें तो अब क्या है? ये प्राइस और ये क्वांटिटी है ना। अगर देखा जाए टोटल तो प्राइस और क्वांटिटी ये है। प्राइस और क्वांटिटी करने का मतलब यह है कि फर्म के रेवेन्यू शायद बढ़ गया। अगर आप इधर से देखेंगे तो प्राइस और क्वांटिटी करने से देखेंगे शायद फर्म का रेवेन्यू बढ़ गया। देखें, पहले रेक्टेंगल छोटी थी, अब रेक्टेंगल बड़ी हो गई है तो फर्म का रेवेन्यू बढ़ गया। तो वो कहने के नहीं, ऐसा ना दीजिए, ऐसा ना दीजिए। जो फर्म का रेवेन्यू था वो उतना ही है जितना ये इस रेक्टेंगल का था। ये जो एडिशनल, ये जो रेवेन्यू मिला है, ये जो पैसे मिले हुए, ये पैसे टैक्स के, इनडायरेक्ट टैक्स के, ये पैसे फर्म के नहीं है। फर्म ने सिर्फ ये पैसे कलेक्ट किए हैं गवर्नमेंट को देने के लिए, क्योंकि पहले उसने 2.25 रुपए गवर्नमेंट को पे किए थे कि नहीं किए थे, तो वो गवर्नमेंट के बिहाफ से कलेक्ट किया, नथिंग एल्स। यही बात यहां समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो टैक्स रेवेन्यू है, ये हम कह रहे हैं टैक्स रेवेन्यू, जो हमने ये यहां पर कहा ये रेक्टेंगल था, ये टैक्स रेवेन्यू। दिस कैलकुलेशन इज मच सिंपलर देन लुकिंग एट सप्लाई आइसोलेशन। As we shall see in the following chapter, when supply interacts with demand, the equation becomes slightly more complex. As well as imposing indirect taxes, the government can attempt to stimulate supply in certain industry by granting a subsidy. Subsidy से लोगों को क्या सकती है? अब tax क्या होता है? Additional लोगों से पैसे इकट्ठे कर रहे हैं ना, कि ना 2.25 रुपए आप दें, additional पैसे इकट्ठे कर रहे हैं टैक्स की मद में। टैक्स की मद में एडिशनल पैसे इकट्ठे कर रहे हैं। और सब्सिडी क्या होता है? सब्सिडी क्या होती है? सब्सिडी का किसी को आइडिया है? आजकल तो हम काफी सुन रहे हैं बिजली पे गवर्नमेंट इतनी सब्सिडी दे रही है, मेट्रो के ऊपर इतनी सब्सिडी दे रहे हैं, और ट्रेन के ऊपर हमें इतनी सब्सिडी देनी है, पेट्रोल के ऊपर सब्सिडी दे रहे हैं, निकलाने पे सब्सिडी दे रहे हैं, सब्सिडी जी, सब्सिडी गवर्नमेंट की तरफ से रिलीफ होता है। अब बेसिकली क्या है कि कुछ सेक्टर को, किसी प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए, उसकी इस्तेमाल को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट कहती है अगर आप ये प्रोडक्ट बनाएंगे, ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे, तो इसके ऊपर गवर्नमेंट इस का असल में खर्चा तो 10 रुपए है, लेकिन आपको इसके लिए सिर्फ 5 रुपए देने पड़ेंगे, बाकी 5 रुपए गवर्नमेंट दे देगी। अब जो वो 5 रुपए गवर्नमेंट दे रही है, वो गवर्नमेंट बेसिकली इंसेंटिवाइज कर रही है उसकी प्रोडक्शन को और उसकी इस्तेमाल को। कुछ ऐसे सेक्टर होते हैं जिसके अंदर गवर्नमेंट चाहती है, जैसे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, जो आपकी बिजली की, इलेक्ट्रिक की प्रोडक्शन, इसमें चाहते हैं कि ठीक है आप इन्वेस्ट करें, तो वो कहते हैं ठीक है आप सोलर जब आप लगाएंगे तो सोलर के ऊपर जो आपको खर्चा आएगा उसको हम कुछ सब्सिडाइज कर देंगे, कुछ पैसे हम गवर्नमेंट आपको दे देगी, तो उससे फायदा हो जाएगा। तो बहुत से मुल्कों में बहुत सी सब्सिडीज का कॉन्सेप्ट इस तरीके के साथ है कि जहां पे हम गवर्नमेंट
push करती है अपनी population go towards the consumption of certain products, certain items, certain industry to flourish कर. इसी तरह से हम कहते हैं जी कि इंडिया में भी एग्रीकल्चर को वो बहुत सब्सिडीज देते हैं. क्यों देती है गवर्नमेंट सब्सिडी? ताकि उनकी एग्रीकल्चर ज्यादा बेहतर परफॉर्म करे, एग्रीकल्चर से आउटपुट बेहतर आए. और बिजली का वो जो ट्यूबवेल जो बिजली का मीटर लगाता है, बिजली फ्री होती है. और ट्यूबवेल आप यूज करते हैं, पानी निकालते हैं फादी से का फ्योर कल्टीवेशन और अपनी एक्टिविटी करने के लिए, एग्रीकल्चर एक्टिविटी करने के लिए, तो उस ट्यूबवेल के ऊपर जो बिजली होगी वो शायद गवर्नमेंट ही पे कर रही है, ताकि आप ज्यादा बेहतर से बेहतर प्रोडक्शन करें और आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम हो, ताकि मार्केट में जब आपकी प्रोडक्ट आए उसकी कॉस्ट कम हो और लोगों को सस्ती सब्जियां, सस्ते प्रोडक्ट्स, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स अवेलेबल हो सके. तो गवर्नमेंट एक एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रमोट करने के लिए, उसकी कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए अपनी तरफ से सब्सिडी दे देती है. क्लियर है सब्सिडी का कॉन्सेप्ट? या कंट्रीब्यूशन यहां पर भी लिखा हुआ है, कंट्रीब्यूशन टू हेल्प डिफरेंट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. जैसे हमने अभी एग्रीकल्चर की बात की, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करने के लिए, एंड टू इनकरेज कंटिन्यूस प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन, और उसके ऊपर लोग कॉन्टिन्यूसली प्रोडक्शन भी करें, कंजम्पशन भी करें. फॉर एग्जाम्पल प्रिस्क्रिप्शन सब्सिडीज, हिल फार्मिंग सब्सिडीज, ये यूके की ज्यादातर बातें यहां पर की है. हिल फार्मिंग क्या है कि अगर आप ग्राउंड पे या वैली में या आपके पास मैदान में इलाका नहीं है फार्म फार्मिंग के लिए, और आप पहाड़ के ऊपर फार्मिंग करते हैं, तो वहां पर गवर्नमेंट आपको सब्सिडीज दे देती है. Most of the work whereby once a certain output of production is reached, additional relief will be given. ज्यादातर वैसे producers के लिए बात कर रहे हैं, यहाँ पे producers के लिए ये बात कर रहे हैं कि जब producer एक certain level, तो कहते हैं कि government कहती है कि आपने produce करना है. For example, housing industry की बात करते हैं, housing के अंदर आपने कहा कि 10 लाख घर बनने, 1 लाख घर हाउसिंग इंडस्ट्री वाले खुद बनाएंगे, और 1 लाख घर से ऊपर जितने घर बनेंगे उस पे गवर्नमेंट पर हाउस 1 लाख रुपए की सब्सिडी देगी. अब जो हाउसिंग इंडस्ट्री वाले हैं, जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री वाले हैं, उनको इंसेंटिव मिला कि यार मुझे 1 लाख घर तो मैं प्रोड्यूस कर, जब 1 लाख घर प्रोड्यूस कर लूंगा तो उसके बाद मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में मजीद कमी आ जाएगी. क्यों? क्योंकि सब्सिडी मिलना शुरू हो जाएगी. 1 लाख तक तो मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, फॉर एग्जाम्पल 1 करोड़ गया है घर की कॉस्ट, और 1 लाख जब घर बना लूंगा उसके बाद जो मैं एडिशनल घर प्रोड्यूस करूंगा उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 1 करोड़ से कम होके 99 लाख रह जाएगी. क्यों? क्योंकि 1 लाख रुपया गवर्नमेंट से सब्सिडी मिल जाएगी, मेरा प्रॉफिट इंक्रीज कर जाएगा. प्राइस में तो फर्क नहीं आया, लेकिन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर रिडक्शन होगी, मेरी विलिंगनेस टू सप्लाई हाई हो जाएगी सब्सिडी के मिलने की वजह से. उसी को यहां पे आपके सामने पेश किया है कि जी आपकी नॉर्मल सप्लाई कर्व वुड बी लाइक दिस, नॉर्मल सप्लाई कर्व इज लाइक दिस. अब कहा गया, गवर्नमेंट ने कहा कि जब आप 20 आप 50 यूनिट्स बना लेंगे, 50 यूनिट्स बना लेंगे तो 50 के बाद हम आपको सब्सिडी दे देंगे, 50 यूनिट्स के बाद हम आपको सब्सिडी दे देंगे, और वो सब्सिडी आपको अवेलेबल होगी आफ्टर प्रोड्यूसिंग 50 यूनिट्स. 50 यूनिट्स तक आपको सब्सिडी नहीं मिलेगी, 50 यूनिट्स के बाद आपको सब्सिडी मिलेगी. प्राइस
आपकी 50 मिनट तक बनाते बनाते आपको 20 रुपए मिले थे। अब आपने कहा कि सब्सिडी मिली है, सब्सिडी से क्या होगा, विलिंगनेस टू सप्लाई बढ़ेगी। विलिंगनेस टू सप्लाई से क्या होगा, आपकी सप्लाई कर्व शिफ्ट करेगी टूवर्ड्स प्राइस साइड, याद है शिफ्ट शिफ्ट। अब प्रॉफिट आपका ज्यादा हो गया, सप्लाई कर्व शिफ्ट कर दी, सर्टेन लेवल पर नहीं थी फिर सप्लाई कर्व शिफ्ट कर दी, क्योंकि सब्सिडी उस तक उस लेवल तक सब्सिडी अवेलेबल नहीं, सप्लाई कर्व ने राइट साइड के ऊपर शिफ्ट किया। अब आप यहां पे आ गए। नाउ व्हाट हैपन, इसकी वजह से क्या हुआ कि 25 रुपए के ऊपर अगर आप नॉर्मल सप्लाई कर्व के ऊपर होते तो 25 रुपए के ऊपर आप सिर्फ 70 घर प्रोवाइड करते, लेकिन इस सब्सिडी की वजह से क्या हुआ, अब 25 रुपए के ऊपर आप 90 घर प्रोवाइड करने के लिए तैयार हो गए हैं। क्लियर है? अब इस शिफ्ट ने, इस चेंज इन कंडीशन ऑफ सप्लाई ने क्या किया, आपकी सप्लाई कर्व को फ्लैटर कर दिया। फ्लैटर करने से क्या हुआ, उससे फर्क क्या पड़ा कि 25 रुपए के ऊपर पहले आप 70 यूनिट्स प्रोवाइड करने के लिए तैयार थे, अब उन्हीं 25 रुपए की प्राइस के ऊपर आप 90 यूनिट्स सप्लाई करने को तैयार हैं। क्यों 90 यूनिट सप्लाई कर पा रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी, आपका प्रॉफिट कॉस्ट कम होगी, आपका प्रॉफिट मेंटेन किया वही मेंटेन करेगा और आपका प्रॉफिट बढ़ेगा, बल्कि जिसकी वजह से यू आर विलिंग टू सप्लाई मोर ऑन द सेम प्राइस। ये देखें, विलिंग टू सप्लाई मोर ऑन द सेम प्राइस, 25 रुपए के ऊपर पहले सिर्फ 70 यूनिट्स प्रोवाइड कर रहे थे, आप 25 रुपए के ऊपर 90 यूनिट्स प्रोवाइड करने के लिए तैयार है। Initial point of equilibrium, the price is 20 and the quantity is 50. Past 50 unit, there is a subsidy to encourage supply. This subsidy decreases the cost of production for the firm, thereby causing them to increase their production. With the price of 25, the quantity supplied in the market with the subsidy is 90. Had the subsidy not installed, then the quantity would only have been 70. ये जो 70 से 90 में शिफ्ट आया है, ये एडिशनल यूनिट्स की सप्लाई है जी। ठीक है, अगर क्लियर हो लेट्स कंक्लूड हियर फॉर टुडे और लेट्स मीट टुमारो इंशाल्लाह।